हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जेएसएससी सीजीएल के कंप्यूटर का जो पार्ट है, जिसमें कि 20 सवाल, ठीक है, यानी कि 60 मार्क्स, ठीक है। ये बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। जेएसएससी सीजीएल पेपर 3, जिससे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, बहुत बड़ा पार्ट है। 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स कंप्यूटर के सेक्शन से पूछा जाएगा, और जिस तरह के क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के पेपर्स में देखे गए हैं, आपको इस पार्ट की, कंप्यूटर के पार्ट की अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज हम ये लक्ष्य बैच का आपके सामने घोषणा करते हैं कि ये जो कंप्यूटर का पार्ट है, पूरा का पूरा कंप्यूटर जो आपका सिलेबस है, वो हम पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके लिए, आपको इन क्लासेस के लिए एक भी पैसा देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज ये लेक्चर 1 होगा। आज हम लोग, आज ही से हम लोग शुरू करेंगे कंप्यूटर के क्लासेस को। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट किया था, मैसेज किया था कि प्लीज़ सर, कंप्यूटर के क्लासेस करवाइए, कंप्यूटर के लिए कुछ एमसीक्यू या क्लासेस लाइए। तो हमने पूरा कंप्लीट बैच लिया है कंप्यूटर के लिए, आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। और आप इस बैच को अच्छे से फॉलो करिए, जो जो मैं बताते जाता हूँ वो पढ़ते जाइए। तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ से आपको पेपर में सवाल 100% देखने को मिलेंगे। 100% पेपर में आपको यहाँ से सवाल पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम पुरुषोत्तम पांडे है दोस्तों। मैंने एसएससी सीजीएल 2022-2021 दो बार क्वालिफाई किया है प्री। मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी 2022 ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए क्वालिफाई किया है। और एसएससी एमटीएस 2022, एसएससी एमटीएस हवलदार, एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का जो एग्ज़ाम है, उसमें मैंने 121 स्कोर किया है आउट ऑफ 150, ठीक है, जो कि ये रॉ मार्क्स है। नॉर्मलाइज होने के बाद ये 121 से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये है मेरे बारे में कुछ कॉम्पिटिटिव की कॉम्पिटिशन को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस तजुर्बा रहा है। और भी मैंने कई सारे रेलवे के एग्ज़ाम्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है। और अगर मैं अपने पढ़ाई लिखाई की बात करूँ, मेरे एकेडमिक्स के बारे में बात करूँ, तो मैंने ग्रेजुएशन जो है अपने कंप्यूटर एप्लीकेशंस में प्राप्त की है, ठीक है। ये बारे में थोड़ा सा विवरण था। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप पेपर 3 की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और सिर्फ 149, ठीक है, 149 में आपको 10 टेस्ट मिल जाएंगे हमारे एग्जाम क्लस्टर एप्लीकेशन पे। 10 टेस्ट, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जो कि एक्सपर्ट्स ने तैयार किया है, ठीक है। और जो आपको लेटेस्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि ये आपको 3-4 महीने पहले हमने बनाया है, जो आपको लेटेस्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेटेस्ट आपका करंट अफेयर्स है, वो सारे यहाँ पे डाले गए हैं। जैसा कि आपको लैब असिस्टेंट के पेपर में देखने को मिला है, ठीक है। तो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे है, जैसा कि अभी आपको रिसेंट डेज में पेपर्स में देखने को मिल रहा है, उस तरह के क्वेश्चंस है यहाँ पे। और सॉल्यूशंस भी आपको साथ साथ दिए गए हैं कि क्या सॉल्यूशंस है, और एरर फ्री रखा गया है इन टेस्ट्स को आपको। जैसा कि आपको बहुत सारे बड़े बड़े नामी गिरामी टेस्ट्स में देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे एरर होते हैं, लेकिन हमने एक एक करके क्वेश्चन चुना है, एक एक करके आंसर खुद लिखा है, तो हमें पता है कि हमने क्या लिखा है, क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये टेस्ट आपको लेना है, और अगर आपको 149 में लेना है, तो कूपन कोड इंस्पेक्टर, ये इंस्पेक्टर कूपन कोड अप्लाई कोड में होगा, अप्लाई कूपन कोड में लगाना मत भूलिएगा, आपको 149 में मिल जाएगा। आपको अभी जो प्राइस दिखाएगा 165, वो देने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। और अगर, और साथ ही मैं बता दूं कि अगर आपके जीके में, नेशनल जीके में और भी परेशानी हो रही है, तो आप हमारे साथ जीके सुपर 40 कोर्स में सिर्फ 99 रुपये प्रति महीने में तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। कूपन कोड इंस्पेक्टर यूज़ करिएगा, तो सिर्फ 99 रुपये में आपको हमारा जीके का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें हमने सिर्फ 40 घंटे में हमने आपका जो जीके का, नेशनल जीके का पूरा पार्ट है, वो सिर्फ 40 घंटे में हमने कवर करा दिया है। अब कोई ज़रूरत नहीं कि आप पूरा का पूरा लूसेंट बुक पढ़ो, आप जितना ज़रूरत है कम समय में, आपके लिए ये वरदान होगा, ठीक है। तो अभी आप चेक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, तो आप ये हमारा जो नंबर है, उस पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए अब शुरू करते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपना जीके का जो कोर्स है। और सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है।
और अगर हम लोग एक बेसिक एकदम सरल भाषा में कंप्यूटर क्या है, अगर इसका कोई जवाब आपसे मांगता है तो आप उसे कह सकते हैं। अगर एक बच्चे से पूछ रहा है आपसे कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर बच्चे से पूछ रहा है आपसे कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर आप कह सकते हैं कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि कैलकुलेट करता है, ठीक है, बस यही काम है। जब आप डीप कंप्यूटर की पढ़ाई करोगे, ठीक है, तो आपको बताया जाएगा कि कंप्यूटर में एक पार्ट होता है सीपीयू, ठीक है, जिसे बुद्धि कहते हैं कंप्यूटर की। तो वो बुद्धि क्या करता है ना कि वो कैलकुलेट करता है, बस उसे जोड़ना घटाना ही आता है, ठीक है, और यही करता है कंप्यूटर, ठीक है, वो हर चीज कैलकुलेट ही करता है। जब आप सीपीयू के बारे में पढ़ोगे, जहां पे सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा बस वो जोड़ घटा रहा होता है। आप जो वीडियो प्ले करते हो, गेम खेलते हो, गाना प्ले करते हो, सब कुछ ये जोड़ घटाओ ही है कंप्यूटर के लिए। वो हम डीप में पढ़ेंगे आगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगर इसे और हम सिंप्लीफाई करें तो आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि रॉ डेटा को लेता है, ठीक है, डेटा को लेता है और उस पर परफॉर्म करता है कुछ कैलकुलेशंस, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है वो रॉ डेटा लेता है, कैलकुलेट करता है, ठीक है, उस पर कैलकुलेशंस करता है, उसे प्रोसेस करता है, कैलकुलेशंस ही इसका प्रोसेस है, ठीक है। तो क्या प्रोसेस करता है उस रॉ डेटा को, और डिजायर्ड जो आउटपुट है हमें वो देता है, ठीक है, डिजायर्ड आउटपुट जैसा कि हम चाहते हैं उसी रूप में हमें मिलता है, ठीक है, आउटपुट, ठीक है। और इसके बाद फिर इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कंप्यूटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो कि स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है, डेटा को स्टोर करता है और उसे फिर प्रोसेस करके उन इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करके हमें देता है, ठीक है। तो ये था कंप्यूटर का डेफिनेशन, ताकि आप बेसिक समझ सके कि कंप्यूटर क्या चीज है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो हिस्ट्री जानते हैं कि कंप्यूटर आया कहाँ से, क्या है हिस्ट्री, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो जो कंप्यूटर का पहला अगर कोई कुछ लाया था कंप्यूटर के लिए, तो वो था ब्लेज पास्कल ने, ठीक है। तो ब्लेज पास्कल ने एक डिवाइस बनाया था, मैकेनिकल कंप्यूटर जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये 1642 की बात है दोस्तों। पास्कल ने पास्कलाइन नाम का एक डिवाइस बनाया था जो कि कुछ इस तरह से दिखता था, ठीक है। तो ये आज के कंप्यूटर से तो बिल्कुल मैच नहीं करता है। तो उस टाइम ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। और उसके बाद फिर चार्ल्स बैबेज ने 1833 में एक इंजन बनाया था जो कि कैलकुलेशन करता था, ठीक है। तो ये है उनका चार्ल्स बैबेज, जिन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो भी कहते हैं, चार्ल्स बैबेज, ठीक है। तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इन्होंने ये कंप्यूटर बनाया था और 1833 में बनाया था। ये कंप्यूट करता था, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट निकालता था नंबर्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो प्रोग्रामर थी वो थी लेडी एडा अगस्ता। इनका नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, अगर ये एग्जाम में आ जाता है कि पहली प्रोग्रामर कौन था, ठीक है, तो वो थी लेडी एडा अगस्ता, ठीक है। तो महिला थी और प्रोग्रामर थी, पहली प्रोग्रामर इन्हीं का नाम आता है, लेडी एडा अगस्ता। आपको हो सकता है ऑप्शंस में एडा लवलेस भी मिले, ठीक है, तो ये इन्हीं का नाम है, ठीक है, शादी के बाद इनका नाम चेंज हो गया। खैर आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने ये जो प्रोग्रामिंग किया था वो एनालिटिकल इंजन के मदद से किया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और फिर ये बात है 1937 की, और यहाँ तक इतने सालों के बाद हमें मिला था कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है, जिसका नाम था Mark 1। इससे पहले जो बन रहे थे वो मैंने आपको फोटोज दिखाए कि किस तरह से थे, ठीक है, इस तरह के कंप्यूटर से। इसके बाद पहला मैकेनिकल कंप्यूटर हमें मिला था जो Mark 1 नाम है, ठीक है। इसे बनाया था हॉवर्ड इरकिन ने, ठीक है, हॉवर्ड इकिन, और 1937 का ये बात है, ठीक है। इसके बाद फिर कंप्यूटर के जगत में दूसरी बार क्रांति तब हुई जब 18,000 ट्यूब्स, ठीक है, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स के साथ कंप्यूटर बनाया गया था। और इसे बनाया यूनिवर्सिटी में दो प्रोफेसर्स ने, शायद ये प्रोफेसर्स थे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इनका नाम है जेपी कार्ट और जॉन मॉशले, ठीक है। तो जेपी कार्ट और जॉन मॉशले ने इन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया, ठीक है, जो कंप्यूटर हम आज देखते हैं उस तरह का वो अब शेप ले रहा है कंप्यूटर, ठीक है। तो ENIAC 1 इसका नाम था, इस कंप्यूटर का। ये आ सकता है, ये काफी पॉपुलर नाम है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और 1946 में ये लाया गया था, तो जेपी कार्ट और जॉन मॉशले ने बनाया था, ठीक है, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स के साथ। काफी हीट प्रोड्यूस होती थी इससे, ठीक है। और इसके बाद जब ट्रांजिस्टर लाया गया था तब जाके फिर वो हीट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जॉन वैन न्यूमैन, ठीक है,
तो जॉन वैन न्यूमैन जो है इन्होंने इन्वेंट किया था एडवैक, ठीक है, 1951 में, और ये पहला कंप्यूटर था जिसमें आप प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकते हैं। प्रोग्राम्स मतलब इंस्ट्रक्शन या उपदेश जो हम कंप्यूटर को देते हैं कि ये करो वो करो, उसे ही प्रोग्राम्स कहते हैं, ठीक है। मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगा, अभी आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद फिर ये बाइनरी नंबर सिस्टम्स में के फॉर्म में था जो उपदेश दिए थे गए थे कंप्यूटर को, जो उपदेश दिए गए थे, तो जॉन वैन न्यूमैन ने बनाया था एडवैक 1951 में, ठीक है। इसके बाद आखिरी पार्ट है ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का, तो थोड़ा बोरिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन इसके बाद का इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें हम लोग आज का जो कंप्यूटर आज जो आप देख रहे हैं उसे रिलेट करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये है कंप्यूटर के जेनरेशंस, कैसे कैसे बदलाव आए उसके हिसाब से 5 जेनरेशंस में बांटा गया है कंप्यूटर को। तो ये पहला जेनरेशन है जब कंप्यूटर अस्तित्व में आया, 1940 से 1952 का बात है, ठीक है। तो वैकम ट्यूब्स के साथ पहला कंप्यूटर आया अस्तित्व में, इस टाइम कंप्यूटर जन्म ले रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स थे, वैक्यूम ट्यूब्स वाला बहुत बड़ा था, और शायद रूम जितना बड़ा था ये, ठीक है, पूरा रूम जितना, और कई सारे वैक्यूम ट्यूब्स, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स के कारण बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता था। तो फिर आया ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर्स जब आया, और ये साल था 1952 से 64, जैसे खत्म हुआ फर्स्ट जनरेशन, उसके बाद आता है 1952 से 64 तक का, ठीक है। इसमें ट्रांजिस्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए कंप्यूटर में, साइज छोटा हुआ और हीट वाला जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ। इसके बाद आए इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस किए गए हैं 1964 से 71, और ये तीसरा अपना चल रहा है, तीसरा जनरेशन कंप्यूटर का, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, ठीक है। इसके बाद फिर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 से लेके प्रेजेंट डे जो है वो है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और उसके बाद फिर इसमें क्या नया लाया गया, माइक्रो प्रोसेसर्स, जो हम प्रोसेसर्स की बात करते हैं कि हम बात करते हैं ना मोबाइल है ना मोबाइल में कि कितना इसका प्रोसेसर है, क्या है, कितना स्पीड है, ठीक है, स्नैपड्रैगन ये वो, ठीक है। तो यही वो चीज है। और अगर कंप्यूटर में की भाषा में बात करें तो हम कंप्यूटर में बात करते हैं कि Intel 5 है, Intel 7 है, ठीक है, तो i7 है, तो ये सारा जो प्रोसेसर्स है, माइक्रो प्रोसेसर्स, यही चीज है, ठीक है। तो इसमें कई सारे जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे वो ये किए हुए रहते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे ऐड किए हुए रहते हैं, तो ये प्रोसेसर है, ठीक है। तो ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में लाया गया माइक्रो प्रोसेसर्स। और उसके बाद फिर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि अभी चल रहा है, और फ्यूचर में जब तक इम्प्लीमेंट ना हो जाए AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना आ जाए तब तक हम बोलेंगे, ठीक है, कि ये चल रहा है फिफ्थ जनरेशन। और AI जब आ जाएगा सक्सेसफुली, हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे कंप्यूटर में, तो हम मानेंगे कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यह यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो AI के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी बस जान लो आर्टिकल है कि कंप्यूटर को हम अपनी बुद्धि दे रहे हैं कि कंप्यूटर अपने से डिसीजंस बना पाए, ठीक है। अभी तक जो हमारे पास कंप्यूटर है उसे हम बताते हैं क्या करना है, वो पूरा का पूरा गुलाम है, ठीक है, ऑर्डर्स का, इंस्ट्रक्शंस का, अपने से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। लेकिन धीरे धीरे अब उसे सिखाया जा रहा है कि वो खुद से सीखे, खुद से चीजों को समझे, ठीक है। तो ये यहाँ पे काम हो रहा है। और अगर देखिए ऐसे तो इसका आंसर फिफ्थ जनरेशन जो है वो होने वाला है AI, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शंस में ना रहे, आपका किस्मत खराब रहे, या फिर आपका मजा लेना चाहता है, अगर आपका जो एग्जाम को ऑर्गेनाइज करवा रहा है, ठीक है, तो AI और ऑप्टिक फाइबर दोनों ही डाल देता है, तो आपको चुनना है AI, ठीक है। AI में आप मार्क करके आएंगे, और अगर ऑप्शन AI नहीं है तो फिर आप ऑप्टिक फाइबर अगर है, ठीक है, तो फिर ऑप्टिक फाइबर में मार्क करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही था, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ठीक है।